वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, आपके स्टैंडर्ड में ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। This is called oxidation. या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा है कि कॉपर ले लिए हम, कॉपर मेटल ले लीजिए, ये ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर के कॉपर मेटल को हमने हीट किया एयर के प्रेजेंस में प्लस, एयर के प्रेजेंस में डायरेक्ट रखेंगे तो ये रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, इसको हीट करता है। हीट करने से होगा क्या कि कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ये CuO फॉर्म होगा और CuO ब्लैक कलर का फॉर्म होगा। ये CuO जो फॉर्म होगा आपका, ये ब्लैक कलर, इसका भी याद रखिएगा, कॉपर ब्राउन कलर का और कॉपर का ऑक्साइड CuO जो है वो ब्लैक कलर का, यानी कि कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर का कोट चढ़ जाएगा अगर उसको हीट करेंगे तो। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, बैलेंस कीजिएगा तो यहां 2 और ये 2 हो जाएगा, तो कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर का CuO का लेयर चढ़ जाएगा। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कॉपर धीरे धीरे ऑक्साइड के ऑक्सीजन से अटैच होता जाएगा और कॉपर ऑक्साइड बनता जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दस कॉपर का क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ, इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन, ये आपके स्टैंडर्ड का डिफिनेशन है। इसके बाद मैं डिफरेंशिएट करने में और कुछ ज्यादा बातें बताऊंगा जो कि जरूरत होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझने के लिए, लेकिन आपके क्लास में यही दिया हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही रिडक्शन का डिफिनेशन हो जाएगा ऑक्सीजन, रिमूवल जब करेंगे तो ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यही ले लीजिए CuO ब्लैक कलर का है, ये हमने कॉपर का ऑक्साइड लिया और इस कॉपर के ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट कर रहे हैं हम, H2 के साथ हमने हीट किया, तो हम देखेंगे क्या कि कॉपर रिलीज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन H2O बना देगा। यहां पे क्या हो गया कि जिस कॉपर पर ब्लैक कलर का कोट चढ़ा था, अगर उस कॉपर को खूब हीट कर देंगे और उस पे हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उसके ऑक्सीजन को ले लेगा, वाटर बना देगा और ये ऑक्सीजन इससे जब गायब होगा तो CU के फॉर्म में आ जाएगा। इस केस में क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, कॉपर अकेले बच गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो यहां पे हमने बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपको रिडॉक्स रिएक्शन।
रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, इसमें दो पार्ट है, एक रीड एक ऑक्स। रीड रिडक्शन से बना हुआ है, ऑक्स जो है ऑक्सीडेशन से, मतलब वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टुगेदर एक साथ हो रहा है साइमल्टेनियसली, देन इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स टुगेदर। दोनों अगर एक साथ हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों एक साथ हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें देखिए कॉपर का तो रिडक्शन हुआ है लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया है तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपके बुक में एक और एग्जाम्पल पढ़ना है जिंक के बारे में। अगर जिंक ले लें यहाँ ZN, ZN को ZN का ऑक्साइड ले रहे हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन से रिएक्शन करा दिया, कार्बन के साथ हीट करना पड़ेगा इसको, तो ये क्या होगा कि जिंक अकेले बच जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। इस केस में जब आप देखेंगे तो इस जिंक को देखिए, इस जिंक का ऑक्सीजन छीना गया है यानी कि ये प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। और इस कार्बन को देखिएगा तो इस कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल गया यानी कि इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज व्हाई इट इज रिडक्शन। और इस कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। तो चूंकि इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने देखा ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, रिडक्शन इसमें क्या है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों हो रहा है, जिंक के साथ रिडक्शन हो रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों एक साथ हो रहा है, सेम ग्रुप के साथ नहीं हो रहा है, जिंक का रिडक्शन हो रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन कार्बन का हो रहा है। तो इस तरह से जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली टुगेदर हो रहा है then it is called redox reaction। तो oxidation, reduction और redox, तीन तरह के reaction के बारे में हमने पढ़ा। इसमें थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा advanced level में अगर जाएंगे तो oxidation reduction को पहचानने के लिए दो तीन और बातें जानना जरूरी है। इसको आप उतार लीजिए, मैं next थोड़ा सा differentiate कर दे रहा हूँ oxidation और reduction में ताकि आप advanced level को भी देख सकें। Okay? इसको मिटा रहा हूँ। ये ऑक्सीडेशन हो गया और इधर रिडक्शन। दो बातें हमने देखी, फर्स्ट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू नॉट ओनली ऑक्सीजन ऑल्सो अदर निगेटिव ग्रुप अगर कोई जुट रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि इसको लिखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और निगेटिव स्पेसीज का एडिशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम,
ऑक्सीडेशन और यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और निगेटिव स्पेसीज। निगेटिव स्पेसीज के करने का मतलब हुआ फ्लोरीन भी अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, अब फ्लोरीन कहीं से रिमूव हो रहा है तो वो भी रिडक्शन कहलाएगा क्योंकि फ्लोरीन भी निगेटिव स्पेसीज है। नेक्स्ट सेकेंड हम हाइड्रोजन पे जो बोलते हैं तो यहां पे होता है रिमूवल ऑफ, ये तो होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन और पॉजिटिव स्पेसीज, कोई पॉजिटिव स्पेसीज अगर रिमूव हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड यहां पे क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिव स्पेसीज। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को अभी आप चार्ज के व्यू में समझ सकते हैं कि किसी का चार्ज अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन और घट रहा है तो रिडक्शन, तो चार्ज को लेकिन स्टैंडर्ड वे में हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज, इसमें क्या हो जाएगा रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज। इन दोनों से ज्यादा स्टैंडर्ड इसको माना जाता है हायर क्लास में। थर्ड आएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन के बेस पे, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिडक्शन माना जाता है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको ऑक्सीडेशन माना जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पे आ जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस व्यू में भी आप देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं Na है प्लस Cl2 है, यहां पे बन गया NaCl, दो NaCl बन गया। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं सोडियम है, सोडियम क्या हो गया सोडियम पे यहां कोई चार्ज नहीं, यहां एक प्लस और एक माइनस हो गया तो सोडियम पे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया यानी कि इसका चार्ज बढ़ गया तो ये ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का चार्ज घट गया तो ये रिडक्शन, यानी कि यहां से इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। किस किस बेस पे देख सकते हैं इसको, तो चार्ज के बारे में देखें ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज का इंक्रीजमेंट हुआ तो ऑक्सीडेशन, इसमें चार्ज घट गया जीरो से माइनस वन हो गया तो ये क्या हो गया रिडक्शन। इस बेस पे भी देख सकते हैं सोडियम क्या हुआ, एक्चुअल में सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, रिमूवल यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ सोडियम का तो इसलिए प्लस बना तो ये ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन किया है तो निगेटिव हुआ है यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरह से ये दोनों ज्यादा यूटिलाइज होता है, ये हर जगह यूटिलाइज हो सकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 10th लेवल में यही डिफिनेशन दिया इसलिए मैंने डिफिनेशन वो दे दिया, लेकिन ये भी जान जाइएगा। तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंसेस पढ़ा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।